चार में से दो समूह सिंचाई पानी की मांग को लेकर पंचायत चुनाव के बाद प्रशासन ठप की चेतावनी। खाजूवाला IGNP के सिंचित इलाके में पानी की मांग को लेकर एक बार फिर किसानों का एक बड़ा शिष्टमंडल आंदोलन की राह पकड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को चार में से दो समूह चलाकर रबी की फसल में पानी दिया जाए। भारतीय किसान संघ के द्वारा खाजूवाला में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि रबी की फसल के लिए चार में से दो समूह में सिंचाई पानी दिया जाए। हालांकि 22 सितंबर को जल परामर्शदात्री सदस्यों की बैठक में सिंचाई रेगुलेशन तय हुआ था, जिसमें कुल 7 बारी देने का निर्णय लिया गया, जो कतई किसानों के हित में नहीं है। पौंग डैम का जलस्तर 1375 फीट होने के बावजूद भी किसानों को तीन में से एक समूह चलाकर सिंचाई पानी दिया जा रहा है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रेगुलेशन नहीं बदला गया तो पंचायत चुनाव के तुरंत बाद प्रशासन ठप करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांग है जो 22 सितंबर को जो वरिताक्रम मनाया है वो किसान हित में नहीं है। उसमें चार में से दो बारी दी गई है और 28 अक्टूबर से लेकर 6 मार्च तक तीन में से एक दी है, जो कतई किसान हित में नहीं है। भारतीय किसान संघ ने इसमें आज अपना आक्रोश जताकर SDM साहब को ज्ञापन दिया है। यदि ये राजस्थान सरकार ये चार में से दो 31 मार्च 2021 तक पानी नहीं चलेगी तो 2004 का आंदोलन जैसे हुआ था, यहाँ खाजोड़ा का किसान पानी लेना जानता है, यहाँ खून की नदी भी बहानी पड़े तो हम खून की नदी बहाएंगे। अब ग्राम पंचायत चुनाव के बाद में हम SDM का और प्रशासन का यहाँ पर ठप करेंगे। इन्होंने जो वरिताक्रम मनाया है वो तो किसान हित में कतई नहीं है। खरीफ फसल के अंदर है इन्होंने एक एक माह का वरिताक्रम मनाया गया जो चार में से दो क्रम में, अभी इन्होंने एक साथ 6 महीने का मना दिया। इनको ये चाहिए था एक एक माह का वरिताक्रम मना दे और पानी की स्थिति की समीक्षा करके फिर 1 महीने का ये दोबारा मना दे। जो 6 महीने का रेगुलेशन ये किसान हित में कतई नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हनुमानगढ़ में जाकर अपना ना तो अर्जुनराम जी ने MP साहब ने वहाँ पर गए, ना खाजोड़ा का विधानसभा गोविंदराम MLA वहाँ पर गए। बड़ा दुख होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि जल परामर्शदात्री है मीटिंग में नहीं पहुँचा है और किसानों को क्या भला कर सकते हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ ने आज आक्रोश में अपना ज्ञापन दिया है और ग्राम पंचायत चुनाव के बाद ये भारतीय किसान संघ ये प्रशासन को ठप करेगा।